Hello students. In the last session, we understood journal entries and the structures, right? Now in this session, we will start with small sums. After learning a few methods of small sums, we will go for big sums and then we'll go for some advanced level past adjustment sums. So let us start with small sums. In your book, we'll find the question. So look at the first question. Hiral withdraws 500 in the beginning of every month. If 10% per annum interest is chargeable on drawings, determine annual drawings and interest on drawings. See, in this chapter, the most important part is small sums. So what we have started is something really important. And this calculations will be helpful in big sums. So from both the views, this type of sums are very important. So let us learn it. The question says, Hiral withdraws a fixed amount in beginning of every month. So there are three options. Now what happens exactly when a person withdraws identical amount in the beginning of every month? So for example, the year begins on 1st April, right? Say it is 1st April 2018. This is the first day when Hiral withdrew 500 rupees, right? Now she withdraws similar amount in the beginning of every month. That means the second withdrawal will take place on 1st May. Okay, same amount. Third withdrawal will be after 1 month, 1st June. Then fourth withdrawal will be on 1st July. Likewise, it will continue till 1st March 2019. That is the last month of this year. So I hope you are able to understand. मतलब पार्टनर जब आइडेंटिकल अमाउंट माने एक सी अमाउंट हर महीने की बिगिनिंग में विड्रॉ करता है तब पहला विड्रॉल उसका ईयर के बिगिनिंग में माने फर्स्ट डे ऑफ द ईयर तब होता है. दूसरा विड्रॉल एक महीने के बाद, फिर अगेन एक महीने के बाद, अगेन एक महीने के बाद, इस तरह से सबसे आखिरी विड्रॉल होगा लास्ट मंथ में, दैट इज द मार्च. मार्च की पहली तारीख को लास्ट विड्रॉल होगा. तो इस तरीके से देखें तो पूरे साल में टोटल 12 विड्रॉल होंगे, 12 टाइम्स विड्रॉल. तो हमें इंटरेस्ट भी 12 दफा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसा हो. लेकिन उसका स्मार्ट वर्क भी हो सकता है. नाउ लेट अस सी. सपोज पहला जो विड्रॉल है 500 का, ठीक है, ये जो है वो अमाउंट, और अभी हम लिखेंगे मंथ्स. तो उसका कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 12 मंथ्स, पूरे 12 महीने, क्योंकि पहली तारीख को हमने विड्रॉ किया, फाइन. दूसरा विड्रॉल है 1st मई को, मैंने एक महीने बाद, तो दूसरे विड्रॉल पर इंटरेस्ट लगेगा 11 महीने का, ठीक है. तीसरे विड्रॉल पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितने महीने का? तो एक महीना और गया,
तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 10 महीने का। तो एक एक महीने के बाद आप विड्रॉ करते हो तो इंटरेस्ट के महीने भी एक एक कम होते जाते हैं। और इस तरीके से आप देखें तो आखिरी महीना है मार्च का। तो आखिरी महीने की फर्स्ट डेट को अगर आपने विड्रॉ किया तो लास्ट जो इंटरेस्ट होगा वो 1 महीने का लगेगा, राइट? तो इस तरीके से 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5, 3, 2 and 1। तो इस तरीके से हम लोग 12 टाइम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, पर उसकी अमाउंट तो एक ही है, हर बार 500 500 500 500 है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि महीने का टोटल कर देते कि टोटल कितने महीने होंगे। सो इट इज गोइंग टू बी 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7, इस तरीके से टोटल करें टिल 1, सो दैट कम्स टू टोटल 78 मंथ्स, माने 78 महीनों का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। वी नो दैट व्हेन वी कैलकुलेट इंटरेस्ट इट्स आई इज इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100। तो अभी अगर 500 रुपये का हम 10% के लिए इंटरेस्ट निकालें, कितने महीने का टोटल 78। सो व्हेनेवर यू गो फॉर मंथ्स इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 12, आपको याद होगा सिंपल इंटरेस्ट के साथ। अगर आप साल का इंटरेस्ट लेते हैं तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, लेकिन आप कुछ महीनों का इंटरेस्ट लेते हैं तो डिनोमिनेटर में आपको लिखना है 12। और अगर आप दिनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो ऐसे डिनोमिनेटर होता है 365 डेज, राइट? सो यू मस्ट हैव लर्न इट इन लोअर स्टैंडर्ड्स, ओके? तो अभी इस वक्त इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 500 × 10% × 78। तो अब जो उसकी अमाउंट आएगी वो रहेगी 325, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? तो अब जैसे ये ऑप्शन है तो वैसे दूसरे ऑप्शंस भी हमारे सामने आएंगे। अब मानिए जैसे ये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो वैसे एंड ऑफ एवरी मंथ भी हो सकता है, हो सकता है ना? तो हम ऐसा सोचें कि अगर इसी इंसान ने, जैसे यहां पे कौन सा था, इट इज बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है? तो हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, दैट इज द एंड ऑफ एवरी मंथ। हम ये सोचें कि अगर यही अमाउंट किसी और पार्टनर बजाय बिगिनिंग के एंड में विड्रॉ की होती तो क्या होता? सो इट्स द एंड ऑफ एवरी मंथ, राइट? तो उस सिचुएशन में पहला विड्रॉल कौन सी डेट पे होता? द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ। अप्रैल का लास्ट डे कौन सा रहेगा? दैट इज गोइंग टू बी 30th of April, ठीक है? अब मई का लास्ट डे आएगा तो वो कौन सा रहेगा? That is going to be 31st May. अब जून, 30th June, जुलाई तो वो होगा 31st July, ठीक है?
तो इस तरीके से हर महीने की आखिरी डेट पर हम विड्रो करेंगे। तो लास्ट विड्रो लगेगा मार्च की लास्ट डे पर, दैट इज ऑन 31 मार्च 19, उस दिन को विड्रॉल होगा। फाइन, अमाउंट तो सेम ही है, 500 500 500, माइंड वेल आइडेंटिकल अमाउंट, एक सी अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, सबसे पहला इंटरेस्ट वो कितने महीने का होगा, यहां पे 12 महीना था, यहां पे कितने महीने लगेंगे, 11। क्यों 11 क्या लगे, क्योंकि पहले महीने के एंड में हमने विड्रॉ किया तो पहला महीना खत्म, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ के एंड में विड्रॉ हुआ तो फर्स्ट विड्रॉल होगा 11 मंथ्स के लिए, दूसरा विड्रॉल होगा 10 मंथ्स, क्योंकि 2 महीने के एंड में हमने विड्रॉ किया तो अभी 10 महीने बाकी। तीसरा आएगा 9 एंड 8, और इसी तरीके से चलते चलते हम देखें तो लास्ट विड्रॉ होगा लास्ट डे ऑफ द ईयर, दैट मीन्स 0 मंथ्स, यानी एक भी महीना लास्ट विड्रॉ में नहीं है, लास्ट विड्रॉल इज डन ऑन द लास्ट डे, तो उसके ऊपर हम कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब हम इसका टोटल करेंगे तो वो कितने महीने होगा, इट्स गोइंग टू बी 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6, ऐसे करके करके आखिर तक जाएं तो आएगा 66 मंथ्स, ठीक है। तो अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा 66 मंथ्स का, इट्स गोइंग टू बी 500 इंटू 10% इंटू 66 डिवाइडेड बाय 12, तब ये अमाउंट आएगी 275। माने अगर आप आइडेंटिकल अमाउंट, एक सी अमाउंट हर महीने के आखिर में विड्रॉ करते हैं तो टोटल 66 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा और वो होगा 275, ठीक है। अब जैसे ये ऑप्शन है वैसे एक थर्ड ऑप्शन भी पॉसिबल है, दैट इज गोइंग टू बी इन द मीड ऑफ एवरी मंथ, माने महीने के बीच में, द मीड ऑफ एवरी मंथ, अब महीने के बीच की तारीख कौन सी होती है, सो जनरली दैट इज 15th, राइट, माने हर विड्रॉल होगा 15th को, ठीक है। तो पहला विड्रॉल होगा 15th of April 18 को, दूसरा विड्रॉल दूसरे महीने की 15 तारीख को, 15th May, फिर तीसरा जून महीने की 15 को, वैसे चौथा 15th of July, Likewise, till the end, last month हमारा रहेगा मार्च, तो मार्च की 15 तारीख को हमारा लास्ट विड्रॉल होगा, राइट। अमाउंट तो सेम है, हम ये तीन सिचुएशंस देख रहे हैं, 3 alternative situations, बुक में हमें एक ही बताया है, लेकिन इन तीनों तरह के सिचुएशंस में आपको क्वेश्चन किए जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो पहले विड्रॉल पर जो अमाउंट है वो है 500, एंड एज वी नो दैट इट इज एप्लीकेबल व्हेन आइडेंटिकल अमाउंट इज गोइंग टू बी
विड्रॉन माने एक सी अमाउंट जब विड्रॉ होगी ये तब की बात। ठीक है, सो हर बार 500 रुपये 500 रुपये लाइक दैट, फाइन। तो सबसे पहला विड्रॉल जो है उसके ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अब देखिए, फोर्थ इज द फर्स्ट मंथ, 15th अप्रैल दैट इज द फर्स्ट मंथ, वो आधा चला गया लेकिन आधा बाकी है ना, हाफ कंप्लीटेड हाफ लेफ्ट। तो पहला महीना आधा और बाकी के 11 महीने पूरे के पूरे, फाइन। जैसे कि यहां पे 30th अप्रैल था एंड ऑफ द मंथ, तो हमने पूरे 11 महीने लिए। अब यहां पे क्या है, 30th अप्रैल से तो पहले हो रहा है तो 11 महीने तो है ही। इसके अलावा ये महीना वो आधा है, माने इट्स गोना बी 11.5। ठीक है, 11 महीने पूरे और एक महीना आधा। सेम वे उसके एक महीने बाद आप विड्रॉ करते हो तो ये कम हो जाता है, जैसे 12 का 11 हुआ, 11 का 10 हुआ, वैसे ही 11.5 से हो जाएगा 10.5। 10 महीने पूरे और ये मई महीना वो आधा, राइट। सेम वे व्हेन इट इज 15th जून, तो जून आधा और बाकी के 9 महीने पूरे, इट्स गोना बी 9.5, 8.5। ऐसे चलते चलते हम आखिर तक पहुंच जाए तो आखिरी महीना आधा रहेगा, पूरा महीना ही नहीं। जैसे कि यहां पे पूरा महीना था पहले केस में, तो यहां पे वो था ही नहीं, ठीक है, जीरो वाज द लास्ट डे। अब यहां पे बीच का जो डे है वो है, सो वो होगा आधा महीना। सो इन दैट केस द टोटल ऑफ देम कम्स टू 72 मंथ्स, माने 72 महीनों का इंटरेस्ट अभी हमको कैलकुलेट करना है। रेट विल बी द सेम, तो इसी तरीके से उसका भी कैलकुलेशन अपन करेंगे। 500 रुपये का 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 72 मंथ्स। The answer is 300 rupees. ठीक है, तो हमने तीन मेथड्स कवर किए। क्वेश्चन सिर्फ इतना था, इफ आइडेंटिकल अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो उसके अलावा हमने दो और कंडीशन उसके साथ जोड़ दी, दैट इफ इट इज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ और इफ इट इज इन द नीड ऑफ एवरी मंथ, तो ये तीनों सिचुएशन में क्या होगा, फाइन। तो एक चीज उभर के हमारे सामने आई, वो कौन सी है, व्हेन इट इज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ यू टू गो फॉर 78 मंथ्स इंटरेस्ट। ये भूलिएगा मत, ये आपको हर जगह काम आएगा, बड़े सम्स में भी काम आएगा, छोटे वाले में तो है ही, एज वेल एज अ पार्ट ऑफ एमसीक्यू, हर जगह काम आएगा। If it is at the end of every month, it should be for 66 months. And if it is in the mid of every month, तो वो हो जाएगा 72 months का खेल। समझ गया? तो कुछ इस तरीके से ये method deal होगी। ठीक है? तो अब हम चलते हैं next method. राइट, उसे देखते हैं वो क्या है। लेट्स टेक्स्ट बुक के ही दूसरे सम के ऊपर हम जाते हैं, राइट। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वन, सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट ही हो रही है, यू आर बिगिनिंग विद द इंपॉर्टेंस, राइट। सेकंड क्वेश्चन सेज, हंसा, हितेश एंड विजय, दे आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, their capital proportion is 3:2:1. Hitesh is entitled to receive commission at the rate of 10% of net profit after deduction of his such share. What amount will be received by Hitesh
when profit of the firm is 1,65,000 at the end of the year. तो सबसे पहली बात, दो तीन चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है. सबसे पहली बात, पार्टनर्स के नेम हमें दिए, लेकिन ये जो रेशियो दिया गया है कौन सा रेशियो है, गौर फरमाएगा, ये है कैपिटल प्रोपोर्शन. हियर यू मे बी मिसगाइडेड. ये कैपिटल प्रोपोर्शन, ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं है. यू आर नॉट गिवन पीएनएल रेशियो. तो पीएनएल रेशियो क्या होगा? बिकॉज व्हेन यू आर नॉट मेंशन एज पर पार्टनरशिप एक्ट, इट शुड बी इक्वल. माने जब बताया नहीं गया है तो पीएनएल रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा रहेगा रेशियो? वो रहेगा इक्वल, राइट? दैट इज 1:1:1. ठीक है, तो हमें इक्वल रेशियो में काम करना है सबसे पहले. दूसरी कंडीशन, हितेश इज एंटाइटल्ड. नाउ हितेश इज वन ऑफ द पार्टनर्स, और पार्टनर्स में से एक है. ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन. ठीक है, किस तरीके का कमीशन मिलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज शेयर. कौन सा वर्ड है? आफ्टर डिडक्शन. माने ये जो प्रॉफिट है उसमें से हितेश का कमीशन निकाल दो, बाकी जो बचता है दैट इज नोन एज प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज कमीशन. तो उसके ऊपर उसे कमीशन मिलना चाहिए. मतलब ये जो प्रॉफिट है दिस इज बिफोर कमीशन. माने अभी इसमें से हमने कमीशन सेपरेट नहीं किया है, राइट? तो इस सम को हम दो तरीके से सीख सकते हैं. बुक में आपको एक तरीका दिया है, ये फॉर्मूला. तो सिंपली पुट अप द फॉर्मूला एंड दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. काफी सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन होता है कि सर ये फॉर्मूला बनी कैसे, कहां से आ गई, राइट? तो हम ये फॉर्मूला करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सीख, थोड़ी समझ, थोड़ा कंसेप्ट जो है वो समझेंगे. एंड बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट we will understand that from where the formula has been derived. ठीक है, तो formula derive कहां से, वही वो हम समझेंगे, तो formula अपने आप आ जाएगी. तो आपके पास दोनों रास्ते खुले रहेंगे हमारी ओर से, method of understanding and then that is applied in a formula. तो जिसको जो पसंद हो ले लेना, जिसको समझना है, सीखना है कि भाई ये कैसे हो रहा है, मुझे वो समझाओ, इसको फर्दर एजुकेशन में जाना है, इसको प्रोफेशनल स्टडीज करना है, तो उनके लिए सिर्फ फॉर्मूला काम नहीं लगेगी, उन्हें पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा. और जिनको सिर्फ फॉर्मूला करके काम चलाना है उनका काम भी हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं, राइट? व्हाट इज दिस कंडीशन दैट इज प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच शेयर. माने इस वक्त की सिचुएशन हम देखें तो ये 1,65,000 एक ऐसी अमाउंट है जिसके अंदर ये हितेश का कमीशन है, और वो कमीशन हम निकाल देंगे, बाकी की सारी अमाउंट वो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगी, दैट बिकम्स प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, राइट? तो अब हम इस चीज को समझेंगे. तो हमारे पास दो चीजें हो जाएगी, एक दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, जो कि इस वक्त आपको दिया गया है, उसमें से हम कमीशन निकाल देंगे. ठीक है, That is at the rate of 10%. और कमीशन निकाल लेने के बाद जो आएगा उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, या चार्जिंग बोले या डिडक्शन बोले, आफ्टर डिडक्शन या आफ्टर चार्जिंग कमीशन. ठीक है, अब देखिए आपको बोला गया है कौन से प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट
आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज शेयर, तो यहां पे प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन जो है उसके परसेंटेज की बात हुई है। जब परसेंटेज आए तो एक चीज खास ख्याल में रखिए कि जिसकी भी परसेंटेज आप निकालते हैं वो चीज जिसे हम बेस बोले उसे हमें 100 अज्यूम करना है। We have to assume that as 100, जिसका भी परसेंटेज, जैसे आपको बोला है कि इट इज ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ इश्यू, माने जो है वो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वाला है उसके 10%, तो हमें इसको एज ए 100 अज्यूम करना है। लेकिन हम पीछे चले क्योंकि अभी हमारे पास ये प्रॉफिट तो है नहीं, हमारे पास कौन सा प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर। तो इससे पीछे चले तो 10% जो है इसके होंगे। इसके पहले का प्रॉफिट कौन सा होगा जिसमें ये दोनों शामिल होंगे, माने इस वक्त हमारे पास एक प्रॉफिट है वो कौन सा है, वो हमने कोई अमाउंट को अज्यूम किया 100, उसका 10% कमीशन भी जुड़ा है और इस वक्त दोनों साथ है, माने जो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज इक्वल टू 110%। तो ये हमने डमी एग्जाम्पल सेट किया, तो हमारे पास जो प्रॉफिट एक्चुअल है दैट इज 1,65,000 ऐसा है। तो 1,65,000 के अंदर कमीशन है और उस कमीशन को निकाल दो फिर जो बचता है राइट, वो बचे हुए प्रॉफिट का वो कमीशन होगा 10%। ठीक है, माने आपके पास कुछ चीज है जिसे आप अज्यूम करते हो कि इसके अंदर दो चीजें जुड़ी है, इसके अंदर एक पार्ट है 100%, दूसरा पार्ट है 10% और इस वक्त ये दोनों साथ है, दैट इज इक्वल टू 110%। तो एक सीधा साधा इक्वेशन जाएगा कि 110 में से 10 निकालते हैं तो 100 बचता है, तो इसमें से कितने निकालेंगे तो क्या बचेगा। तो ये दोनों जुड़े हैं, 110 इज इक्वल टू 165, मींस 1,65,000। ठीक है, तो इसका सीधा साधा इक्वेशन अपन लगाएं तो कुछ ऐसा रहेगा, 110 टू 10 1,65,000 टू व्हाट, इट्स अ सिंपल ट्रायो सिंपल ट्रिपलेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर ये आपका प्रॉफिट है जिसके अंदर कमीशन बैठा है, ठीक है, so 110 to 10 then 165 like 1,65,000 to what, to ab isko multiply kare right, so that comes to 1,65,000 into 10 divided by cross multiplication mein ye denominator mein jayega, to isko apan calculate kare to answer aayega 15,000, ये आंसर आएगा। माने जैसे इस 110 में से 10 को हमने निकाल दिया तो 100 बचा, सेम वे इस 1,65,000 में से अगर हम 15,000 जो कमीशन का है जो हमने यहाँ पे फाइंड किया उसको अगर निकालें तो बचता है 1,50,000। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अब हमको ये बोला गया कि इस प्रॉफिट का ये 10% होना चाहिए, तो दिखता है ना, यू कैन सी, अब 1,50,000 का 10% फाइंड करेंगे तो ये चीज आपको मिलेगी, इनटू 10% इफ यू डू विल फाइंड इट। तो ये जो 15,000 अगर परसेंटेज की बात करें तो ये 150 के 10% है, ना ही के 165 के। तो 150 क्या है, इस प्रॉफिट में से कमीशन निकाल के जो बचा वो, दैट मींस दिस इज द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। ठीक है, तो जब ऐसी कोई कंडीशन आती है तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पशन से बात चलती है। अब ये कई लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है,
राइट right? तो ये जो प्रोसेस हमने की है वो अल्टीमेटली यहां पर आके रुकी है। हमने 15 फाइन कैसे किया, तो हमने प्रॉफिट को रेट से मल्टीप्लाई किया और एज अ डिनोमिनेटर 100 प्लस रेट कर दिया। तो बिल्कुल वैसे ही ये फॉर्मूला आपके सामने है, इज दिस राइट। अगर इस चीज को मैं फॉर्मूला में कन्वर्ट करूं, आपको ये ट्रिपलेट या ट्रायो समझ में नहीं आ रहा है, तो सीधा ये ऑप्शन जाएगा, दैट इज दिस फॉर्मूला। व्हाट इज इट, इट्स प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन। Divided by 100 plus percentage of commission. अगर इसको हम apply करें तो profit कितना है 165, what you are given. मैं उसे लिखा, फिर आया percentage of commission, that is 10%, तो हमने उसे लिख दिया। और फिर आपको बोला है 100 प्लस कमीशन, सो हमने लिखा 100 प्लस 10, तो ये हो गया 110। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से आपके सामने आ गया 165 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, दैट मींस 110। तो वही सिचुएशन आपके सामने आ गई, तो आंसर भी वही होगा। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको अप्लाई करो, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर, या फिर आप इस पूरी प्रोसेस को समझो और इस तरीके से जाओ। चॉइस इज योर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय हितेश। अब हितेश को दो चीजें मिलेगी, फर्स्ट इज दिस कमीशन, एक तो ये कमीशन मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा उसे, दूसरा मिलेगा उसे शेयर इन प्रॉफिट। अभी ये जो 150,000 है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट डिविजिबल प्रॉफिट, माने प्रॉफिट में से कमीशन निकाल दिया, बाकी जो बचा वो पार्टनर्स में डिवाइड होगा, राइट right? तो ये 150 तीनों पार्टनर में डिवाइड हो जाएंगे, कौन से रेशियो में, इट विल बी डिवाइडेड इन इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो माने अगर दो पार्टनर है तो 1:1, तीन है तो 1:1:1, लाइक दैट, सब एक, ठीक है। तो 1:1:1 में ये अमाउंट डिवाइड होगी। अब तीन पार्टनर है तो इन तीनों का टोटल करें, सो दैट कम्स टू 3, सो इट्स गोना बी 1/3, 1/3, 1/3, माने अगर टोटल 3 रुपया है तो एक पहले पार्टनर को मिलेगा, एक दूसरे को और एक तीसरे को, तो टोटल 2 रुपया है तो दोनों को एक एक रुपया मिलेगा, माने इक्वल। अगर 5 पार्टनर है सो इट्स 1/5, 1/5, 1/5, लाइक दैट, ठीक है। तो ये 150,000 में से हितेश को क्या मिलेगा, 1/3 ऑफ द सेम, डिवाइड बाय 3 करें, सो दैट कम्स टू 50,000, 50,000 मिलेगा उसको। तो हितेश को दो चीज मिलेगी, दिस इज हिज शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में से ये हिस्सा मिलेगा, और कमीशन, ये दोनों चीजें उसको मिलेगी। तो टोटल कितना बना, 50 + 15, दोनों मिला करके उसको टोटल मिलेगा 65,000। नाउ दैट वाज अ क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट इज रिसीव्ड बाय हितेश एट द एंड ऑफ द ईयर, सो हितेश विल रिसीव टोटल 65,000, ठीक है। तो आज हमने दो इंपॉर्टेंट मेथड सीख ली, इसी के बेस पर कुछ और मेथड्स भी अभी हमें सीखनी है,
that we'll learn in the next session. Thank you.